मैं सुरेंद्र सिंह सागर यहाँ लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ और सरकार में राजमंत्री रहा हूँ और उत्तराखंड प्रदेश का प्रभारी भी हूँ। देखिए, काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी है। पार्टी ने जो है गांव चलो अभियान के तहत हर बूथ पर जाकर मीटिंग की है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। अभी हाल ही में यहाँ पर जीशान खां जो रामपुर के निवासी हैं, इनके सगे चाचा मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे हैं साहब खां, और इनकी सगी चाची शैला खां नगर पालिका परिषद रामपुर से चुनाव लड़ी थी। अच्छे वोट लेकर चुनाव में इन्होंने प्राप्त किए थे। इन दोनों के भतीजे जीशान खां को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और रामपुर सीट ऐसी सीट है कि यहाँ दलित और मुस्लिम मिलकर 65% की संख्या है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहेंगे यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग, तो बहुत ऐतिहासिक जीत बहुजन समाज पार्टी की होगी और यहाँ BSP का परचम लहराएगा। एक गठबंधन का प्रत्याशी आता है तो अगर यहाँ की जनता बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, तो बहुजन समाज ही बेहतर विकल्प है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है। मात्र मुस्लिम समाज के बल पर गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएगा, जब तक उसके साथ दलित वोट प्लस नहीं होगा तब तक गठबंधन फेल है। देखिए, वर्तमान में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता त्राही त्राही कर रही है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने रोजगार देने का वादा किया था वो रोजगार पे खरे नहीं उतरे हैं। विकास कार्य शून्य हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ इस प्रदेश और देश की जनता देख रही है। क्या उम्मीद है आपको? हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ता तन मन धन से मेहनत करेंगे और चुनाव में अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।